रेलवे मंत्रालय द्वारा, रेल विभाग द्वारा भारत सरकार का जो आरओबी पुलिया का काम पहले चला था, ये करीब 15 साल बने हुए इस पुलिया को हो गए। उस वक्त यहाँ पर सब जनप्रतिनिधि और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी इकट्ठे हुए थे, तो एक लेआउट प्लान जो जारी हुआ था वहाँ पे ये नक्शा बना था कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए सीढ़ियाँ बनाई जाएगी। आज 15 साल हो गए, सीढ़ियाँ अभी तक नहीं बनी है। अब रेलवे विभाग का दूसरा काम यहाँ पे चालू हो रहा है और वो ये आप देख रहे हो, इस तरफ से दीवार पूरी पैरेलल खड़ी कर रहे हैं। ये दीवार पैरेलल खड़ी करेंगे तो ये किशनगढ़ जो एक सुंदर शहर है, उस शहर को ये दो हिस्सों में बांट रहे हैं। आज चमड़ागढ़ की तरफ से पैदल आने वाला आदमी यदि मदनगंज के एरिया में उसको आना हो तो कैसे आएगा, मैं पूछना चाहता हूँ रेल मंत्रालय से, रेल विभाग से, इस मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 6-7 सालों में आपने ये सीढ़ियाँ यहाँ पे नहीं बनवाई और ये दीवार खड़ी कर रहे हैं और किशनगढ़ के सौंदर्यीकरण को बिगाड़ रहे हैं। इसको लेकर आज पूरे चमड़ागढ़ क्षेत्र के वासी और इधर से मदनगंज के क्षेत्र के वासी सब इकट्ठे हुए हम विरोध करते हैं कि दीवार तब तक नहीं बनेगी यहाँ पे, ना हम बनने देंगे तब तक ये वेपर की मार जो सीढ़ियाँ थी वो नहीं बनाई जाती। किस तरह से परेशानी हो रही है आमजन को? आमजन को एक बार बताओ आप मेरे को कि आज कोई सबके पास तो मोटर गाड़ियाँ वाहन है नहीं। आज 75% जनसंख्या जो पैदल चलती है, अब वो पैदल चलने वाली जनसंख्या क्या 2 किलोमीटर की पुलिया को चढ़ के पैदल ऊपर चढ़ के आएगी? नीचे जो इस पुलिया के नीचे के क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं वो आमजन राहगीर है, जो पैदल चलता है वो पुलिया के ऊपर से चलेगा तो ऊपर दुर्घटनाओं का खतरा भी रहेगा, गाड़ियाँ ऊपर चलती है एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। और जब इनका लेआउट प्लान था, लेआउट प्लान में इन्होंने आरओबी में सीढ़ियाँ बता दी, तो वो सीढ़ियाँ आज 10-15 साल तक क्यों नहीं बनी? आपने प्रशासनिक अधिकारियों या किसी जनप्रतिनिधि को इस बारे में अवगत कराया? जनप्रतिनिधियों को तो अवगत सबको मालूम है ना, पर भूमाफिया है, भूमाफिया तो उनकी जमीन है, उस तरफ ले गए रेलवे स्टेशन को। आज आम जनता, गरीब जनता उनकी बोलने वाला कौन है? आज हम एसडीएम साहब को भी सुबह ज्ञापन देखे हैं, उससे पहले भी 10 बार कम से कम भारत सरकार को ज्ञापन लिख चुके हैं, मोदी सरकार को ज्ञापन लिख चुके हैं, रेलवे मंत्रालय को, रेलवे विभाग के अधिकारियों को हम ज्ञापन दे चुके हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो आरओबी पुलिया के नक्शे में जो पास हुआ रास्ता था सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ दोनों तरफ बनाई जाए, तब तक इस दीवार का निर्माण नहीं किया जाए। यदि ये दीवार का निर्माण करेंगे, हम दीवार का निर्माण नहीं होने देंगे, चाहे जेल में चले जाएंगे, सब बंद कराएंगे, रेलवे लाइन रोकेंगे। आपका नाम? राकेश शर्मा।